महीने के आखिरी रविवार को होने वाले पीएम मोदी के मन की बात शो को देश के 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं, वहीं 23 करोड़ लोग रेगुलर इस शो को सुनते हैं। दरअसल प्रसार भारती के कहने पर ये आंकड़ा IIM रोहतक ने एक स्टडी कर जारी किया है। IIM के डायरेक्टर धीरज शर्मा और प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने बताया कि स्टडी के लिए डेटा कलेक्शन हिंदी के साथ साथ कई रीजनल लैंग्वेजेस में किया गया था। स्टडी में पता चला कि 65% लोग हिंदी में प्रोग्राम सुनते हैं, जबकि 18% लोग इस शो को अंग्रेजी में सुनना पसंद करते हैं। रेडियो पर इसे 17.6% लोग सुनते हैं, 44.7% लोग टीवी और 37.6% लोग इसे मोबाइल पर देखना या सुनना पसंद करते हैं। आंकड़ों की माने तो 73% लोग देश की प्रोग्रेस और सरकार की वर्किंग को लेकर ऑप्टिमिस्टिक हैं। उन्हें लगता है कि देश सही दिशा में जा रहा है। 30 अप्रैल को मन की बात का 100वां एपिसोड टेलीकास्ट होगा। IIM रोहतक ने इस शो की लोकप्रियता के पीछे के कारणों को जानने के लिए भी स्टडी की। इसमें पता चला कि मोदी को लोग पावरफुल और फैसले लेने वाला नेता मानते हैं, जो दर्शकों के साथ भावनात्मक जुड़ाव स्थापित करने के लिए बोलता है। लोगों के साथ सीधे जुड़ाव और गाइडेंस देने के कारण भी लोग इस प्रोग्राम को देखना पसंद करते हैं। गौरव द्विवेदी ने बताया कि 22 इंडियन लैंग्वेजेस और 29 डायलेक्ट्स के अलावा मन की बात अंग्रेजी को छोड़कर 11 विदेशी भाषाओं में ब्रॉडकास्ट किया जाता है। पीएम मोदी के इस शो की शुरुआत 3 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।